एक लाइटर ब्लेड जो होती है उसकी 25 ईयर्स जो येलो वाली है ना 2020 ये मस्टैंग वाला अपने साथ रेस लगाना चाहता है मेरे ख्याल में। गाड़ी कर ली हमने रिवर्स। हाँ, चाय भी आ गई ऊपर से, क्या बात है। पकड़ लूँगा कहाँ से मैं, छड़ दे छड़ दे। ओह माय गॉड, ये तो डिगूगी डिगूगी। हाँ पड़ा डिगूगी है ये इसकी मास्टर की है। पहली बार मेरी गाड़ी का टायर खुल रहा है घर में। जनरल सिंह पंचर कभी हुआ ही नहीं इसमें। ये हमने नई किट मंगाई है, ये देखो। ये भी आई थी बॉक्स में, लेकिन वो वाला बॉक्स बंद था। इसमें 21 पंचर हैं, तो ये छोटी सी पोर्टेबल किट है। ली तो मैंने इसके लिए, कभी ज़रूरत पड़ जाएगी, लेकिन अभी पहले इस पर ट्राई करके देख रहे हैं। जब भी ऐसे वाला कोई टेक्निकल काम होता है ना, अपने पास इंजीनियर कनाडा से आता है जनरल सिंह। जब दो बंदे हो जाते हैं ना तो बातें बातें करते टाइम निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। चेस बाइक के सामने चेस हो गई। नहीं जनरल, वही एक ही है ना। नहीं, नहीं। दूसरा पंचर तो नहीं लग रहा बॉस। बस बस यही है, इसे आराम आराम से हवा निकलती है। दो तीन दिन में ना। ये भी हमारे साथ में पंचर लगाने में पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। क्यों इग्नोर हेल्प कर रहा है भाई, कितना सामान भेजा है उन्होंने, फायदा कौन उठाएगा इसका। हाँ पहले ही उसकी गाड़ी तोड़ दी है तुमने, अगर दोबारा गाड़ी उसकी टूटी ना, ये बोलती है बड़ी गाड़ी लेके दो। ये बड़ी गाड़ी वाले ड्राइवर देख लो, बड़ी गाड़ी वाले। उसकी गाड़ी बेचारे की ठोक दी नई वाली। ये प्रो ड्राइवर बैठे हुए इसमें, प्रो ड्राइवर। चल चल सही है सही है, इतने रहने, ऐसे रहने दे स्टीयरिंग अभी। नहीं नहीं बस बस बस, लाइसेंस दे अपना। I have no license. चल ठीक है भाई। बड़ी जान लगती है ना। Yeah, it's good. सही हो गया ना? Yes. सिक्के बांध काम हो गया, सिक्के बांध। छोटा सा कील निकला है इसमें से। जनाल टायर कर दिया पूरा? Yes. इसको भी ट्रक की तरह रीटायर करना पड़ेगा बॉस, 200 किलोमीटर के बाद में। नहीं 200 किलोमीटर के बाद में ट्रक रीटायर को होता है ना, लेकिन कार को रीटायर करने की क्या जरूरत है। थैंक यू ब्रदर, पैसे कल दूंगा है। कितने बने कितने मेरे खाते में लिख ले। स्वाशिकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़ती कला ही होनी चाहिए। देख लो आज संडे का दिन है, लेकिन संडे सुबह पहले कल रात को वीडियो एडिट की, वो आपको देखने के लिए मिल गई होगी। और आपको मालूम है मेरी वीडियो जो है वो आपके शाम को, मेरे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आती है जब भी काम से आता हूँ, उसके बाद में एडिटिंग करता हूँ। हाँ मैंने सुबह सुबह लिया था, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि हमारा ये वाला प्लान बनेगा। तो भाई अपना अच्छा है, जब भी इसको कॉल करते हैं वो आ जाता है, जब भी वो फ्री होता है फिर हम दोनों कर लेते हैं अपना ऐसा वाला काम। जब भी मोड़ा व्लॉग शुरू करना होता है ना, तो सबसे पहले एक बार तो मेरे को एंगल सेट करना पड़ता है। मेरे एंगल का बहुत चक्कर चलता है, गरीब बंदे तो आपको मालूम ही है। एक ही कैमरा है हमारे पास, नया नया काम है अपना। पहले एक बार मेरे को रुक के कहीं पे भी एक एंगल चेक करना पड़ेगा। अगर एंगल सही होता है तो मैं नहीं चेंज करता, अगर नहीं सही होता फिर चेंज कर देता हूँ। उससे क्या होता है, कम से कम आगे वाली फुटेज ख़राब होने से बच जाती है। बहुत ही स्पेशल जगह पर आपको लेके जा रहा हूँ। जो बंदे तो गाड़ियों को पसंद करते हैं, बाइकों को पसंद करते हैं, उनको हर एक तरीके की गाड़ी और बाइक वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। कोटे एवेन्यू के ऊपर आपको जब भी आपको भी संडे को आओगे तो ऐसे वाली गाड़ियाँ और ऐसे वाली बाइक्स आपको देखने के लिए डेफिनेटली इसके ऊपर मिलेंगी। जिस बंदे के पास में जितनी भी अच्छी गाड़ी होती है ना, वो यहाँ पे गेड़ी लगाने के लिए लेके आता है। एक्चुअली दिस इज द गेड़ी रूट ओनली फॉर द संडे। इसके मफलर देखो कितने अच्छे हैं, और इसकी लाइट जान ले रही है अपनी। वाओ, ये जो इस मोट बाइक के आगे वाली गाड़ी है ना, ये किसी बंदे ने तैयार कराई हुई है। पुराना वाला पीस है, पेंट वेंट करके ले गया है पूरा चाओ से। या वो बोलता है थोड़ा तेजी से चलो, लेकिन हम तेजी से चल के क्या करेंगे। ये सारा जो जूम जा रहा है ना, जो जितना भी ये जाम है, सारा एक जगह में जाके इकट्ठा हो जाएगा। और ये देखो, इसको बोलते हैं एंजॉय वाली राइड, कॉवर्ट। वाओ, ये भी राइट साइड में देखना, लाइनें लगी होगी लाइनें, गाड़ियां देखने वाले की, बाइकों को देखने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। हर कोई बंदा
यहाँ से गुजरता है, इनको मालूम है कि यहाँ से सब लोग गुजरेंगे, इसलिए ये लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी गाड़ी आए उसकी फोटो लेंगे या उसको निहारेंगे। एक से एक गाड़ी आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगी। वाओ, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी भी गाड़ी के साथ में आप फोटो खिंचा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, व्हाट एवर यू वांट। लो मैड कलेक्टर लिखा हुआ है ना आगे, तो दिस इज कलेक्टर प्लेट। यहाँ पे कहीं बाइक पार्क करनी पड़ेगी, वेयर वी कैन पार्क द बाइक मैन। ये वाली देखो, ये येलो वाला GMC का है, देखो। ओह वाओ, बंदे देखते हुए अपनी तरफ, मज़ा तो आ रहा है लेकिन चक्कर है, थक गया मैं। ये बंदा हेलो कर रहा है खुश हो गया बच्चा, खुश हो गया, बच्चे हमारी जान है। यहाँ पे खड़ी करते हैं बाइक यार 2 मिनट के लिए। ओह, दिस वन इज कावासाकी निंजा, दिस वन इज 636। व्हाट्स अप मैन, थैंक यू। दैट वन इज 400। हाँ, These are the owner of these cars actually. These guys have the antique pieces. So that is actually collector plate, and this one also collector plate. 360 fuel injected. Okay. 400 horsepower. 400? Yeah. Again? What they say? When the roof goes down, the price goes up. ये वाली गाड़ी का जो पेंट है ना, 20,000 ओनली पेंट के ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने, 20,000। तो मजा आ गया यार तीनों गाड़ियां देख के। ये जो गाड़ियां है ना, अभी और बनती नहीं है, कलेक्टर प्लेट ही होती है उसकी। 25 years आपको मेंटेन करना पड़ता है, साल की $200 या $300 उसकी जो इंश्योरेंस आती है। आपको 25 साल गाड़ी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, और गाड़ी पुरानी होनी चाहिए और हालात अच्छी होनी चाहिए। कौन सी अच्छी है, ये वाली या ये वाली, बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस, थैंक यू। भाई साहब, ये 2019 वो वाली 2020 जो येलो वाली है ना, 2020 92,000 की है, और इन्होंने जब ली थी ना एक साल पहले 8 किलोमीटर था इसके ऊपर, अभी हो गया इसके ऊपर 86,000 किलोमीटर। मैन बंदा बैठा ही नहीं एक साल, मेरे ख्याल में इसे ज्यादा नहीं तो $1,00,000 का तेल फूक दिया होगा। नहीं, अंदर से तो आपने शॉट देख ही लिया, तेरे को कौन सी बढ़िया लगी दोनों में से, हनी की ऑरेंज होगी, येलो मेरी होगी। ये मैंने नया पेंट कराया, ये मेरी है। चल तू वो रख ले यार, कोई चक्कर नहीं, लेकिन वो ज्यादा बगाना मत, बाद में नहीं बोलना, रुकी नहीं है ये सिर्फ एंटीक पीस शो में खिलाने के लिए, ऐसे ही नहीं है ये। मेरा यहाँ पे आने का कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन यहाँ से ना हम अपने सपने लेके जा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, कितने की है, कितना काम करना है, कितनी दिहाड़ियाँ लगानी पड़ेगी, कौन सी गाड़ी लेने के लिए। लेकिन जो गाड़ी अपने को पसंद है ना, अभी टाइम है उसमें, लगेगा टाइम। यानी कितना टाइम लगेगा पता है, अभी 5-7 साल लगेंगे, 5-7 साल लगेंगे। लेट्स गो, घर चलते हैं अभी यार। हो
ये हमारा एक बंदा बिजनेसमैन है, ये लैपटॉप के ऊपर काम करता है। कितने डॉलर की डील होगी? $1 million। ओ मैन, कितना फायदा हो गया ना तेरे को अंदर बैठने में ना। तू ऐसा कर, अंदर ही बैठा रहा, 2-3 million हो जाएंगे फिर बता देना। दिन अपना वर्थ हो गया। ऐसे वाली जगहों में आके बंदा अपने सपने सजो के अपने सांस में लेके जा सकता है कि आपको, आप कहाँ पे हो और दुनिया कहाँ पे है। ये मस्टैंग वाला अपने साथ रेस लगाना चाहता है मेरे ख्याल में, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही। ये पागल हुआ बड़ा है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा, तो ये टपाएगा किसी के ऊपर से। बहुत मुश्किल से रोका है इसको। वाओ, ऐसा नहीं है कि किसी भी गाड़ी से हम रेस नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं यार सिटी में। बहुत सालों के बाद में कनाडा को ऐसा बड़ा मौसम देखने के लिए मिला यार, खास करके विनीपेग वालों को। कल ही हमने घास काटा था ना, अभी देखो ये पानी सारा जो नीचे से ना जा रहा है घास की तरफ, तो अपना घास एकदम मस्त हो जाएगा। तो महाराज हेलो, क्या हाल चाल? हर एक होता है कि जो उसकी फेवरेट गाड़ी होती है उसको देखने के लिए कहीं मिल जाए। मैं वही गाड़ियां देखने के लिए गया था, लेकिन यार अपनी फेवरेट गाड़ियां वहां पे आई हुई थी। फिर क्या होता है, बंदा अंदर से मोटिवेट होता है कि यार ये वाली गाड़ी लेनी है, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, रात दिन काम करेंगे और एक ना एक दिन अपनी वाली गाड़ी लेके आएंगे। कर दो यार लाइक, और जो बंदे नए आए सब्सक्राइब कर दो, मिलते रहेंगे ऐसी अच्छी सी वीडियोज में। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर का ख्याल रखो, रब रखा। और बहुत दिनों के बाद में यार आज हमारे पनाले भी चल गए होंगे, ये देखो पनाला चल रहा है। We can have the world. See us coming like left, right, left, right, oh. Are you the same?